से एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता पता नहीं कितने दिन हो, 10 दिन हो गए, गाड़ी नहीं धोया था। तबियत सही नहीं थी तो गाड़ी नहीं धोया था, ये गाड़ी धोया हूँ तो जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी वो लग गई थी यार, लड़ गई थी मेरी गाड़ी, ठोक गई थी एकदम से भड़क से। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है ना, इंडिया जैसा होता तो वो होता, बवाल उठ जाता। इंडिया में गाड़ी जैसे लड़ती उतर के मारने लगते साले, ले फटाफट फटाफट धट फटा मारते, पता नहीं किसकी गलती है, गलती देखते ही नहीं। इधर ऐसा नहीं है ना, तो इधर जहाँ पे गाड़ी लड़ती है वहीं पे रुकना है जब तक पुलिस नहीं आता है। पुलिस पुलिस आके देखता है तो फिर देखना पड़ेगा, वो आएगा फोटो खींचेगा, फिर गलती किसकी है देखेगा। इधर जो भी झगड़ा करते हैं तो उसी के ऊपर केस होता है इधर, क्योंकि इधर इसीलिए इधर कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा कानून है ना उसके हिसाब चलना पड़ता है। अगर कानून नहीं फॉलो करो तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी सजा मिलती है कानून नहीं फॉलो करो। पहले बता रहा हूँ मैं, ड्राइवर बताया था मैंने, तो लालच है हमारी। फिर लड़ी गाड़ी, देखा पुलिस आया, बोला उसने फोटो वोटो खींच लिया तो बोला साइड में हट जा, फिर वहां से हटा दिया। तब वहीं पे वो दोनों की बात होती है कपिल की, दोनों वो जो लड़ी है वो गाड़ी है और मेरी गाड़ी है, दोनों बात करते हैं गलती किसकी है देख के, वहीं पे वो फैसला क्लियर कर लेते हैं फोन पे, आते भी नहीं हो, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते। तो फिर क्या होता है वहां पे, वो फिर उनको प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है ऐसा करने से, तो इसीलिए यहाँ पे झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, आराम से काम लेते हैं, आराम से काम। ऐसा हमारे इंडिया में भी होना है भाई, मजा आएगा। ऐसा हमारे इंडिया में लोग सुधरेंगे, यहाँ पे कैमरा स्पीड वो लिमिट रहता है, स्पीड चलाओ 80 की रोड में 80 में जाओ, 100 की रोड में 100 में जाओ, कम जा सकते हैं लेकिन ज्यादा स्पीड नहीं जा सकते। अगर वो रोड पे कैमरा रहता है, वो कैमरा मार देता है तो सीधा गाड़ी के नंबर पे वो कपिल का नंबर अटैच रहता है, तो उसको मैसेज जाता है कि तुम्हारा गाड़ी इतना स्पीड में इतना वो लाई बोलिए फाइन आया बोलिए, और फिर तुरंत हमारे अकाउंट से काट लेते हो पैसे, सैलरी में काट लेते। तो इसीलिए सीट बेल्ट तो बहुत लाजमी, सीट बेल्ट का कैमरा है, फोन हाथ में पकड़ो तो कैमरा है, लाइन क्रॉस करो तो लाइन क्रॉस का अभी अभी न्यू हुआ है, लाइन नहीं क्रॉस कर सकते, सही जो लाइन बनाए उसी में जाना है। अगर ज्यादा लाइन क्रॉस करके चले गए ओवरटेक करे तो भी मुखालफा आता है यानी फाइन आता है। यहाँ पे हर जगह पे पुलिस नहीं रहती है भाई, वो रहते हैं कैमरे रहते हैं, हर एक कानून का कैमरा है, इसीलिए तरक्की करते हैं कि लोग तरक्की मेरे हमारे है। अबे यार यहाँ पे हमारे इंडिया में पता नहीं कैसा होता, कब होता है ऐसा, दूसरे देश में भी है लेकिन ज्यादा हमारे इंडिया में वो नहीं है, देखता नहीं है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है गलती नहीं देखते हैं, जिसको ज्यादा चोट लगी जिसको नहीं लगी उसी को मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो जल्द से जल्द एक अच्छा मुझे वोट दा इंडिया का प्रधानमंत्री बन के ऐसे कानून लाओगे ना, लेकिन बहुत जल्द होगा। मैं बातों में रास्ता भी भूल गया, बहुत और आगे चले गया। हमारे यहाँ पे शीशे में नहीं देखते हैं।
शीशा उतार के ऐसा मुंडी बाहर करके देखते हैं गाड़ी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ऐसा हाथ करते हैं, हाथ करने का और वो करने का बहुत है इंडिया में, यहाँ पे वो लाजिम उसको देखना है शीशे में, शीशा देखो तो तभी। अब पार्किंग के लिए गाड़ी पार्क, तो दोस्त ने फोन किया था चाय पीने के लिए, तो कैमरा ऑफ हो गया। सर्दी के लिए क्या करना है, डरते इधर अगर सर्दी वर्दी की होगी ना पास में नहीं बुलाती, बल्कि कोरोना तो नहीं हुआ क्या, पार्किंग भी नहीं मिल रहा है इधर। चड्डी पहनना है लाजिम। चलो उधर जाके मिलेंगे बाहर। उधर बहुत दूर है, मैं गाड़ी रुकाया उधर पीछे रुकाया मैं। हाँ तो ये मैं ले चुका बैगन का भरता और वो क्या बोलते हैं उसको, रोटी ब्रेड सब ले चुका। अभी सामान लेके हुआ है, अभी जा रहा हूँ फिर वापस, अभी नमाज का टाइम है ना, नमाज का टाइम है तो बंद कर दो सब दुकान, अजान से पहले ही बंद कर दे सब, कुछ लोग बंद करते कुछ लोग नहीं बंद करते, फिर यहाँ पे कानून है कि बंद करना है अजान से पहले ही बंद करते। एक बात बोलूं किसी को नहीं बताने का ठीक है, मैं यहाँ पे चोरी करता हूँ ठीक है, दिखाता हूँ टिश्यू चोरी करता हूँ मैं पीछे से। मजा आया नाक पोछने के लिए, क्या करने का यार किसी को नहीं बताने का क्योंकि हाथ काटते हैं चोरी करने, अच्छा है इधर क्योंकि इधर कचरा भी फेंक नहीं सकते, इधर उधर इधर उधर उधर कचरा नहीं फेंक सकते। खूबसूरत आवाज सऊदी अरब की शान, ये पीछे की मस्जिद है। खान साहब क्या हाल है, क्या हुआ क्या कर रहे बाहर रुक के, खान साहब को तो बुलाया नहीं तुम, भाई ने दिल तोड़ दिया यार। तो भाई हम आ गए ड्यूटी से, भाई के रूम पे आए थे चाय पीने के लिए, आना सॉरी भाई अभी बनाऊंगा चाय इंशाल्लाह नमाज के बाद, नमाज के बाद क्योंकि मेरा तो खत्म हो गया बोलने नहीं अभी, कितने लोग, एक लोग छोड़ के और एक इधर सब भी और एक साइकिल लेके जा रहा है, बहुत लोग थे, एक और है वो शर्मते है थोड़ा कैमरे में नहीं आती है, उनका नाम जरूर लो, मेरा हसीन भाई, ये हसीन भाई है मेरा, ये अलग मूड में चलता है रात में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, और कुछ बोल बे, क्या बोलता रहे बे, बोल बे कुछ तो, क्या बोल रहा बोल बे, बोलता अलग मूड में चलता है रात में, वो भी रात में बता रहा, तू बोल और भाई मेरे जान के टोटो सलाम वालेकुम, क्या बोल रहा भाई उसे कह रहा शादाब जा का, क्या नाम है उसका, कुछ तरीका है भीख मांगने का, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, भाई का चैनल है सब्सक्राइब करो, वसी ओए वसी
चैनल सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को भाई के। हाँ इंशाल्लाह भाई, कितने हो गए फॉलोअर्स? गजब बेइज्जती है यार तू भी। कितने सब्सक्राइबर हो गए मालूम नहीं, मैंने देखा YouTube में, मत बताने इतना पैसा है नहीं तो चैनल पे नहीं जाएगा। हाँ अरे कोई भाई रिपोर्ट मत मारो यार, भाई के क्या मसला हो रहा है, अल्लाह के बंदे रिपोर्ट तो अभी यार डिसलाइक भी दे रहे हैं यार, इतने भी हेट दे रहे हैं यार, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा, तुम्हें लोकेशन दिखा रहा तगड़ी तगड़ी, डिसलाइक मार यार बंदे को, डिसलाइक दे रहे अभी तो, अभी तो शुरुआत क्या हो, जज्बात बदल दिए, तरक्की बदल दी, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, तकदीर बदल दी, सब सब बदल के, डिसलाइक बदल के, सब कुछ बदल दिया भाई। चलो नमाज की बात मिलेगी, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, अभी गोश बनने जा रहा है, गोश बकरे का गोश, रात को खाने के लिए गोश बन रहा है भाई, गोश अभी फ्रिज से निकाला हूँ, निकाल के इसको पानी में डाला हूँ, अभी थोड़ा बर्फ हट जाने के बाद में साफ करके क्लीन करके कट करके झोंक देंगे इसको। ये बन रहा है गोश, ये बन रहा है चावल। सर्दी बुखार कम नहीं हो रही यार, गोली खा रहा हूँ, हॉस्पिटल में दिखा के आया तो भी नहीं कम हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे, क्योंकि जा नहीं रही है ना कहीं पे भी, दूसरे जगह नहीं जा रही है, तो अच्छा अच्छा जगह बताना है समझे। तो अब आ गया हूँ दोस्त के रूम पे, इधर पार्टी है, जुमेरात है ना पार्टी, इधर आई है वो 11 नंबर में। तो आज का ब्लॉग कहीं पे ख़त्म करेंगे, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, गर्दा उड़ा दो गर्दा, ठीक है, खुदा हाफिज़।